Hello everyone and welcome back again to another fresh video of ISRO Talks. I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसरो की तरफ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइडेड 10 डे फ्री ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आप सभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में। यहां पे आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलने वाला है इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड IIRS की तरफ से। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है आप सभी के लिए। आपको सिंपली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अटेंड करने क्लासेस दोस्तों, एंड आपको यहाँ पे 10 डेज में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ये जो सभी चीजें होने वाली टोटली फ्री में होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो, क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी होंगी, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना होगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, सीट्स फुल हो जाती है। दोस्तों लास्ट डेट दोस्तों 5th है, लेकिन 5th से पहले ही सीट जो है वो फुल हो जाएंगी, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोर्स देखने मिल जाता है 75th जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो कोर्स होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पे होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो अप्रैल 5 से अप्रैल 16 तक के ये कोर्स चलने वाला है। तो इस तरह से 10 डेज का कोर्स होने वाला है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिल जाता है, तो मैं आपको रजिस्टर करके भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट थी जहां पर इसके बारे में डिटेल्स दी गई थी, तो वहां पे आपको सभी डिटेल्स देखने मिल जाती है। रिमोट सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे आपको सभी डिटेल देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल्स देखने मिल जाती है। द रोल ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है वो सभी चीज आपको सिखाई जाएंगी, और यहाँ पे आपको और भी डिटेल देखने मिल जाती है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखने मिल जाती है, 5th अप्रैल लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उससे पहले सीट्स फुल हो जाएंगी। तो अगर आपको इसमें लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप जल्दी से उसमें रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ पे आपको कोर्स ड्यूरेशन देखने मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5th अप्रैल से 16 अप्रैल तक के 10 डेज का होने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन सेशंस होने वाले दोस्तों, इंटरेक्टिव सेशंस होने वाले, लाइव पढ़ाने वाले आपको, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है आप सभी के लिए। आप देख सकते हो नो कोर्स एंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी, तो दोस्तों ये टोटली फ्री होने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं की होने वाला करने वाला है। एंड यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द सर्टिफिकेशन विल बी गिवन। तो दोस्तों यहाँ पे 10 डेज का जो ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, यहाँ पे ऑनलाइन सेशन होने वाले हैं, तो वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पे आप जैसे ही रजिस्टर कर लेते हो आपको अटेंड करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आपकी 50% से ज्यादा अटेंडेंस रहती है, फिर उसके बाद एक शॉर्ट एग्जाम ली जाएंगी, छोटी सी एमसीक्यू बेसिस पे एग्जाम ली जाएंगी। जो भी आपको चीजें सिखाई है ऑनलाइन सेशंस में वही एमसीक्यू में आएंगे दोस्तों। इस तरह से आपकी ऑनलाइन छोटी सी असेसमेंट ली जाएंगी, फिर ये दोनों चीजें आप जब कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल एमसीक्यू होंगे, जैसे भी आप कंप्लीट कर लेते हो एंड आपकी अटेंडेंस रहती है जो कि मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो रहती है, तो आपको कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे देखने मिल जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, क्या क्या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, ऑफिसर्स है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के जो दोस्तों स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी फील्ड से हो, तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड सभी डाटा सीख कर, गेन करके, नॉलेज गेन करके आप इसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है अपना आईडी प्रूफ सबमिट करना होगा, एंड यहाँ पे आपको दोस्तों आप कोई भी डिग्री से, कोई भी डिग्री कर रहे हो, कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोग्राम की और भी सारी डिटेल्स देखने मिल जाती है कि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए, गुड दोस्तों इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और भी सारी डिटेल्स देखने मिल जाती है। यहाँ पे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया गया है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से सभी डिटेल्स थी इस कोर्स की पर्टिकुलर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो वापस हम इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिल जाता है, तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से रजिस्टर करने वाले आप। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाते हैं स्कॉलरशिप रिलेटेड, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए वेलकम है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिल जाता है, आप सिंपली उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का वेब पेज अपेयर हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन देखने मिल जाता है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर कर सकते हो, एंड अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा, सभी डिटेल्स एड करनी होंगी दोस्तों। दोस्तों आप जैसे ही लॉग इन करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपेयर हो जाता है। यहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल्स दी गई है,
तो आपको कोर्स सिंपली सिलेक्ट करना है जियो इन्फॉर्मेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आपको मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर देना है। आप इंडिविजुअली रजिस्टर कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्री रिक्वेसाइट देखने को मिल जाता है, तो आपको अपना बेसिक क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो आप जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो मुझे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है, एंड बेसिक नॉलेज आपको किस चीज पे बेसिक नॉलेज है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये चीज सिलेक्ट कर देती है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ द कोर्स कंटेंट ऑफ दिस कोर्स विल बी यूजफुल फॉर योर प्रोफेशनल करियर, तो ये जो कोर्स में चीजें पढ़ाई जाने वाली है वो आपके लिए किस तरह से यूजफुल हो सकती है। तो आपको यहाँ पे चीजें लिख देनी है कि आप क्यूरियस हो, आपको इस बारे में जानना है दोस्तों, इसलिए आप ये कोर्स ले रहे हो, या तो आपका कोई पर्सनल रीजन है तो वो भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी सारी चीजें डाल देते हो, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो तो आपके ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल जो डिटेल्स है वो सिलेक्ट करनी होंगी। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो इस तरह से आपको सभी चीजें ऐड करनी होंगी। तो सभी चीजें आपको ऐड कर देना है दोस्तों, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स डालनी होंगी, अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये चीजें सिलेक्ट करनी होंगी। उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, तो आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देनी है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी आपको ऐड करना है, आधार कार्ड नंबर ऐड कर देना है। इस तरह से सभी चीजें होने वाली है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप ये सभी चीजें कंप्लीट कर देते हैं ये प्रोसेस, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए दोस्तों रजिस्टर हो जाते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप ये अटेंड कर सकते हैं, इसरो का फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।